बड़ी खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, इन 80 में से 60 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश की 60 लोकसभा सीटों पर कल मंथन हुआ है, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया गया है, 20 सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये 60 सीटों पर मंथन, 20 को होल्ड पर रखना, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और इन 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में क्योंकि कुनबा भी बड़ा हो बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है, तो सहयोगियों को भी एडजस्ट करना, क्या जानकारी मिल रही है ये जो चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश की 60 लोकसभा सीटों को लेकर? बिल्कुल रोमाना, वही मैं आपको बता रहा था कि करीब 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा हो गई है। 60 सीटें कौन सी हैं? जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ना है, कपड़ा मंत्री सॉरी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना है। ये वो सीटें हैं जो नेसेसरी हैं, जिनको टिकट देना ही है, चुनाव में लड़ाना है और रिपीट करना ही करना है। प्लस चूंकि मैंने पहले ही बताया कि 60-20 इसलिए सीटें होल्ड की गई हैं क्योंकि उसमें से 6 ऐसी सीटें हैं जो गठबंधन को देने हैं, 2 RLD के खाते में जानी हैं, 2 अपना दल के खाते में जानी है, 1 निषाद पार्टी को दी जा सकती है और एक सीट है वो दी जाती है सुभाषपा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को। तो इनको एडजस्ट करने के लिए ये अभी फिलहाल 20 सीटें होल्ड की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटों पे ऐसी योजना बनाई जाए कि हर सीट जीतने का प्रयास किया जाए, जो 2014 और 2019 में नहीं हो सका वो 2024 में किया जाए। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी है, दिल्ली की लगभग 100% स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में हासिल करने के लिए लक्ष्य बड़ा है जो बीजेपी ने अपने लिए तय किया है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ये जो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के लिहाज से सूबा जो है, वहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, जैसा कि नीरज भी बता रहे थे, बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक RLD अपना दल को 2-2 और साथ ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट दी जाएगी, तो मतलब आंकड़ा 6 हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जो साथी हैं वो इन 6 सीटों से, मतलब 2-2 RLD और अपना दल के लिए, 1 SBSP और 1 निषाद पार्टी के लिए, संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से, और यही बातचीत भी लगातार शुरू से चल रही थी। आपने देखा था पिछली बार भी अपना दल को 2 सीटें दी गई थी, इस बार चूंकि RLD इस गठबंधन में नया दल शामिल हुआ है, ऐसे में 2 सीटों पर जो बातचीत उनके साथ हुई थी वो 2 सीटें उनको दी जाएंगी। 2022 के चुनाव के ठीक बाद में आपने देखा था ओम प्रकाश राजभर भी NDA के साथ जुड़े हैं, 1 सीट उनको दी जा सकती है, और 1 चूंकि निषाद पार्टी पुरानी सहयोगी दल है और पहले भी उनको 1 सीट दी गई थी, तो ऐसे में 1 उनकी मिला करके टोटल 6 सीटों पर बातचीत हुई है और ये 6 सीटें इन्हें दी जाएंगी। अब इन 60 सीटों में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे बता रहे थे कि 60 सीटों पर मंथन हो चुका है, अब इन 60 सीटों में क्या ये 6 सीटें भी शामिल रहेंगी या इनमें से कुछ सीटें शामिल रहेंगी, अभी पत्ते कोई नहीं खोलने को तैयार है जी। क्योंकि नीरज ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अंतिम क्षण तक जो है बहुत जानकारी सामने नहीं निकल के आती है, लेकिन जब लिस्ट जारी होगी तो उसमें ये देखने लायक होगा कि जिन सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है उनको जो 6 सीटें दी जानी है उनके नाम डिक्लेयर किए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। हालांकि 60 सीटों पर अगर मंथन हुआ और 20 सीटें छोड़ी गई हैं, तो रोमाना मान के चलिए कि अभी कुछ जो अलग अलग दलों के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले सकते हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक, कई उनके बड़े नेता जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और एक बड़ी टूट-फूट फिर से एक बार उसी तरह से देखने को मिल सकती है जैसी राज्यसभा चुनाव के पहले देखने को मिली थी। मतलब दूरदर्शिता बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही है, इस बात का आकलन करके बीजेपी चल रही है कि अभी जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी अन्य राजनीतिक दलों से नेता बीजेपी के पाले में आएंगे, और ऐसे में उनके लिए भी गुंजाइश लेकर फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।